ठीक है, तो बताओ क्या होमवर्क था? एक्सरसाइज 7.1। सर, 7.1 बिल्कुल पूरी। यस सर। ठीक है ना। लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स और इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात हम लोगों ने कल की थी, है ना। और अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। यस बताओ क्या लिखा पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या लिखते सर। हो? सर, पहले कल सबके ए पार्ट का आंसर है 1.2। इसमें किसी को कोई डाउट हाँ सर। कि जब भी डिवाइड करेंगे डेसिमल्स को तो दैट मींस कि डेसिमल इंट्रोड्यूस होगा उस नंबर में, अगर नहीं है तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो शिफ्टिंग होगी। अगर डिवाइड करेंगे तो उस तरफ शिफ्टिंग होगी, और कितने डिजिट से शिफ्टिंग होगी? जितने नंबर ऑफ जीरोस नीचे प्रेजेंट है 10 की पावर में। ठीक है, ठीक है। सर, और मान लो क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड, ये तो आंसर सही है यहाँ पे, लेकिन मान लो कि 12/100 होता तो फिर से डेसिमल इंट्रोड्यूस होता, लेकिन इस बार दो डिजिट छोड़ के, मतलब कि एक दो, यहाँ पे एक बार जीरो है तो एक बार डेसिमल आकर के रुक गया इस तरीके से। सर। और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आप करते कर रहे होते उसे 1.2 × 10, तो इस केस में डेसिमल इस तरफ नहीं, राइट पर शिफ्ट होता है। राइट पर शिफ्ट होगा लेकिन उतनी डिजिट से होगा जितने जीरोस प्रेजेंट है, तो 12.0 या फिर 12 लिख सकते हैं उसे, तो ये उसका आंसर हो जाता। कर पा रहे हो सभी? सबने कर लिया? यस सर, मैंने करा है। हाँ, मैंने मैंने नहीं कर रखा। किस क्वेश्चन में नहीं किया भाई? अच्छा, कर रखा है। आंसर बताओ। भी करा। सर, 0.07। 0.07, ठीक बताया आपने। ठीक बताया आपने। और सी पार्ट देखते हैं एक बार। तो सी का होगा 0.125। 125, सॉरी 125 है बाय 1000 है। बताओ। 0.125। ठीक है ना। और अगर मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी डेसिमल है तो क्या करेंगे? अगर डेसिमल ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर तो उसकी शिफ्टिंग करेंगे, और अगर डेसिमल नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था, तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे उस नंबर के अंदर, उसके बाद में शिफ्टिंग करेंगे। और इंट्रोड्यूस कहाँ करते हैं? हमेशा यहाँ करते हैं, क्योंकि 125.0 इज इक्वल टू 125। ठीक है ना। ओके सर। तो चले आगे। यस बाकी सर। सारे पार्ट होने वाले थे, 52/100 है, सर, 75/1000 है। अगर ये कर पा रहे हो तो वो भी कर सकते हो। हाँ, सेकंड का एक कोई पार्ट देख लो, ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक आंसर है 507.345। हाँ एग्जैक्टली, जहां भी पॉइंट है तो पॉइंट रख दो, उसके बाद 345 बोला है तो लो लिख दिया, और उसके पहले क्या दिया है? 507, तो ये हो जाएगा। कन्वर्ट करना है बस, अब वो आना चाहिए, है ना। पॉइंट के बाद में हमेशा खोल करके लिखते हैं 345, आगे कुछ और होता है तो वो भी सिर्फ सिंपली सिंपली उसकी वर्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में नहीं चलेगा, ना ही इंडियन सिस्टम ना ही इंटरनेशनल सिस्टम, वो सिर्फ होल पार्ट के लिए होता है सिस्टम। यहाँ पे हम 3, 4, 5 जब हम बोलते हैं तब भी सिर्फ 345 ही बोलेंगे, और लिखने में भी 345 ही आने वाला है ना। 345 अगर आप लोग लिख रहे हो तो वो गलत लिख रहे हो। यस थर्ड क्वेश्चन बताइए। सर। थर्ड के एक आंसर है, फर्स्ट 2 इज 20, 4 राइट इज द प्लेस टू। वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो प्लेस वैल्यू की बात करें या फिर एक्सपांडेड फॉर्म की बात करें, इन ये दोनों टॉपिक्स, प्लेस वैल्यू। ये दोनों टॉपिक्स रिलेवेंट हैं। प्लेस वैल्यू की बात ही करते हैं कहां पर, एक्सपांडेड फॉर्म में। तो पहला पार्ट यहां पर बोल रहा है 24 पॉइंट, बोलो क्या, 317। 24.317 है वो तो बात ठीक है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यूज की बात करोगे या एक्सपांडेड फॉर्म की बात करोगे तो वहां पे सिमिलैरिटी है। जैसे मान लो कि एक्सपांडेड फॉर्म लिखते पहले जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो 20+4+ एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं आता डेसिमल, क्या थ्री लिखोगे? बाय 3/10 टेन प्लस वन प्लस बाय वन हंड्रेड बाय प्लस हंड्रेड सेवन प्लस बाय सेवन बाय प्लस वन थाउजेंड बाय 7/1000। ठीक है। या फिर ये तो लिख दिया आपने एक ही सेंटेंस में, आंसर खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये भी तो उस लिंक क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लेस वैल्यू बताओ हर डिजिट की बताओ, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे? 20। 4 की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे? 44। फोर सर, 44 खाली ही आएगी। 4 ही 4 ही आएगा। 3/2, थ्री की थ्री अपॉन टेन, 1 की 1/100 और 7 की 7/100। बात समझ में आई? इस तरीके से करना होता है। तो ओके एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि हर डिजिट का
प्लेस वैल्यू आप लोग निकालो और सबको ऐड कर दो, ये होता है तो ये एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन हम का, कर लेंगे। है ना। हाँ बिल्कुल करना है ही, वो तो करना ही है आप लोगों को, कर लेना चाहिए, तब तक तो होमवर्क था ना ये तो। पूरा कर लिया हमने। कर लिया तो चलो आगे चलते हैं। हाँ सी वाला पार्ट बता देता हूँ एक बार, कुछ बच्चों को शायद यहाँ पे डाउट होता है कि अगर जीरो बीच में आ रहा है तो क्या हो सकता है, क्या जीरो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सर वन प्लस कुछ फाइव भी वाई एक दो नहीं, तीन चार, टेन थाउजेंड बस ये लिखना है इसको। लिखा। फोर्थ क्वेश्चन, सर फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे खुद। क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म्स। करवाना है किसी को भी? नो सर, नो सर, नहीं करवाना। पूरा ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सर ये भी कर लेंगे, सर ये भी कर लेंगे। सब कर लोगे क्या? अब बहुत सारे बच्चे तो होमवर्क करके आए नहीं है, तो बेचारे बोलने लगे बच्चे ही नहीं है, तो होमवर्क करके आया करो, अभी क्लास में आने का मतलब भी है। इसका सी पार्ट करते हैं चलो एक बार, फिफ्थ का सी सर पार्ट। सी का आंसर बताऊं? नहीं सर मैं बता दूं? तुम लोग बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा उन बच्चों को जो होमवर्क करके नहीं आए, तो बेटर है मैं ही बता देता हूँ। 9/100 प्लस ये हो जाएगा क्या, 7/10,000। 10,000 नहीं, 1,000 ही है। तो चलो ये पहले यहाँ तक तो होने वाला है होल पार्ट, और ये वन नीचे अगर फोर डिनोमिनेटर सिक्स में कुछ कुछ प्रेजेंट है तो वो होने वाला है डेसिमल पार्ट। तो ये पॉइंट के बाद हम क्या लिख देंगे, 140/6। उसके बाद आएगा 9/100 है, वो जीरो 10 वाला तो गायब है, तो 0 आने वाला है, 9 आने वाला है, फिर 7 आने वाला है। जीरो नाइन समझ में आ गया होगा? पर ठीक है फिर चले आगे। यस सर, यस सर। सिक्स क्वेश्चन, ये सारे एक्सपांडेड फॉर्म पे टिके हुए क्वेश्चन कर लोगे? कर हाँ ये लेंगे क्या रेंज सर। बहुत छोटी है, कर भी लिया। किसे नहीं आया सिक्स क्वेश्चन, किसे नहीं आया सिक्स क्वेश्चन, जल्दी बोलो। कोई नहीं बोल रहा, मतलब सबसे हो गया। सेवन क्वेश्चन, सेवन भी हो गया, सेवन सेवन भी हो मतलब ए गया। पार्ट बोल रहा है राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंसेस। तो लाइकवाइज ये क्वेश्चन बनता है पैटर्न्स, इसका बेसिक अगर हम बात करें तो ये पैटर्न्स है। कैसे, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई होती है, उनके बेसिस पे हमें फर्दर मिसिंग प्लेसेस या मिसिंग सिंबल्स हमें वहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो 11.23 यहाँ पे नंबर है, 12.23 यहाँ पे नंबर है, हमें पता चल रहा है कि डेसिमल पार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है आगे से आगे, लेकिन होल नंबर में वन ऐड होता जा रहा है, और आगे पूछा है आपसे तीन सर प्लेसेस, थर्टीन तो आंसर क्या हो थर्टीन जाएगा? पॉइंट ट्वेंटी थ्री फोर्टीन पॉइंट ट्वेंटी थ्री फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी थ्री और 16.23। 16.23 इस तरीके से पढ़ना है। ये सर कर लेंगे। एट बता दो सर, वो समझ नहीं आया। एट समझ नहीं आया, द एट में भी कुछ नहीं है, तो और आसान है, इससे भी आसान है। ठीक है बाकी पार्ट हो जाएंगे। यस सर, यस सर। तो एट पार्ट आपसे कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, सिंपली डेसिमल्स लिखने हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है उसने, बहुत सारे स्क्वायर्स का यूज करते हुए एक स्क्वायर बना रखा है। 100 बॉक्सेस का। यस सर 100 है। 100 है। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 10 × 10 हंड्रेड। तो मतलब कि आंसर होने वाला है 100 नीचे डिनोमिनेटर में, और शेडेड पोर्शन कितना है 1, ये इसका आंसर है। इसमें यस क्या डाउट सर? कोई डाउट नहीं है 0.1 भी तो लिख सकते हैं सर, 0.01। तो हाँ आंसर सर, 1/100 है ना, अरे भैया इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0.01। ठीक है यस सर, समझ आ गया। यस सर, यस सर। इसका बी पार्ट देखते हैं एक बार। सर बी है 0.79। बी में भी फिर से वही किया उसने। अच्छा हाँ, अब एक एक शेडेड पोर्शन इस बार ज्यादा है, शेडेड बॉक्सेस ज्यादा है, तो आप लोग क्या यस कर सर। सकते हो, जो अनशेडेड उसे काउंट कर लो, 100 में से माइनस कर दो, तो वो हो जाएंगे आपके कितने, 21 79 हो जाएंगे सर बाय 100। बोलो समझ में आ गया? 0.79 यस सर आ गया।
0.04। 0.04। ठीक है ना, ये सर आ गया, सर आ गया। अब लाइक और अनलाइक डेसिमल्स की बात हम लोग कल कर चुके हैं, लाइक और अनलाइक की हम बात कर चुके हैं, सभी को समझ में आ गया था? यस सर, यस सर, यस सर, आ गया था समझ में। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी समझ गए थे ना आप लोग, कल बताया था वैसे कि अनलाइक डेसिमल्स का जो ग्रुप है उसे लाइक डेसिमल्स के ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इनके क्वेश्चंस एक्चुअली आने वाले हैं आप लोगों के पास में। yes. तो समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल्स, कंपेयरिंग डेसिमल्स का जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल सेम है जैसे आप लोग होल नंबर्स को कंपेयर करते थे। ठीक है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है तो आग बंद करके हमें ऑब्वियसली यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड या फिर नंबर कितना लिखा हुआ है, फिगर कितना लिखा है, हमें सिंपली अगर साइन पता है कि एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आग बंद करके पॉजिटिव बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में मिडिल नंबर जीरो होता है विच इज नीदर जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर लोग हैं जो जीरो की तरफ है और सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर लोग है स्टिल ये वाला नंबर बड़ा होने वाला है जीरो के इस तरफ, क्योंकि हमें पता है कि नंबर लाइन पर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है सर, बड़े होते जाते हैं। अरे यार डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं असेंडिंग ऑर्डर मिलता है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखे हुए हैं सारे नंबर नंबर लाइन पे। यस सर, यस सर, ऑर्डर पे तो लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन अगर दो पॉजिटिव नंबर देंगे तो फिर क्या होगा? अभी तो डेसिमल्स की बात कर, जो नंबर बड़ा होगा वही होएगा। तो हम क्या करेंगे, वो जितने भी नंबर डिजिट नंबर्स हैं सबसे पहले उनका क्या काउंट करेंगे, इस तरफ से लेफ्ट से चेक करना शुरू करेंगे अगर ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, दोनों बराबर आते हैं तो फिर नेक्स्ट पोजीशन पे चेकिंग होती है। ये आप लोग जो 5th क्लास में करवा चुके हो, अब डेसिमल्स में भी सेम करेंगे, बस डेसिमल्स को जंप करना पड़ेगा एक बार अगर होल पार्ट दोनों का इक्वल है तो। चलो ये बुक में एक बार देख जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में जो लिखा हुआ रीड कर देता हूँ एक बार। कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, सबसे पहले ये कि अगर दो डेसिमल को या मल्टीपल डेसिमल्स को कन्वर्ट कर कंपेयर कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि सब के सब लाइक डेसिमल्स हो जाए, मतलब कि जीरो हमें बैलेंस मोड में चलाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि कंपेयर द होल नंबर पार्ट द डेसिमल्स विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट आर ग्रेटर, फिर is greater if the whole number part is equal then compare the digits in the 10th place the decimal with the greater digit in the 10th place is greater if digits in the 10th place are also equal if digits in the 10th place are also equal then compare the digits in the 100th place and so on। ये जो मैंने आपको बता दिया यहां पे समझ में आया क्या? नो सर, समझ नहीं आया। नहीं आया सर। सर ये बुक में जो पढ़ा वो समझ नहीं आया तो उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल करिए आप लोग डायरेक्ट, बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, 210.32 दे रखा है और 210.248 दे रखा है, कैसे करना चाहोगे भाई? 210 और 210 तो हो गए बराबर, इस तरह से देखना शुरू पीछे का देखेंगे। सबसे पहले आप 2 पर गए, यहाँ भी 2 पर गए तो आपको पता चला कि दोनों इक्वल है, तो यहाँ से तो आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1 पे गए, 1 पे गए अगेन इक्वल, 0 पे गए फिर 0 पे गए अगेन इक्वल, नेक्स्ट डेसिमल को कूदे 3 मिला आपको वहाँ 2 मिला तो 3 बड़ा होता 2 से, ये तो हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको क्या आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्या? और चलो वो तो अब तो लाइकवाइज कि हमारे कॉमन सेंस फिट हो जाना चाहिए कि हम डेसिमल पार्ट में कितने भी राइट में कितने भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर को नंबर सेम ही रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग कर लेंगे। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं अभी ताकि आपकी थोरो प्रैक्टिस यहीं हो जाए। ठीक है सर, आ गया समझ। कंपेयर करो इसे सर, 5.248 बड़ा है, डेसिमल 248 ये बड़ा होगा, 248 बड़ा होगा, 00 0.09 बड़ा होगा,
कभी ये गलती मत करना यस कि सर यहाँ पे तो आपने 100 वाला उठा लिया और वहां पे आपने 10 वाला उठा लिया, ये कंपैरिजन इनवैलिड है, ये कंपैरिजन इनवैलिड है। अगर यहाँ पे 100 उठा रहे हो तो वहां भी 100 में उठाएंगे, उठाया दोनों इक्वल निकले, अगेन 10 इक्वल निकला, अगेन 2 भी इक्वल निकला, मतलब 1 भी इक्वल निकला, कूद गए हम 2 को पकड़ा या 2 को पकड़ा, सर 2 भी इक्वल है, काम नहीं चला, लास्ट तक जाएंगे। और अगर लास्ट सर लेकिन डिजिट्स खत्म हो गई है, दोनों में 0-0 आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हमें कंपैरेटिव आंसर नहीं मिला है, तो फिर क्या करेंगे हम ये कंक्लूजन कर देंगे दोनों नंबर इक्वल है। 4 और 0 कौन सा नंबर बड़ा? 4 बड़ा 0 से, 4 बड़ा ये नंबर बड़ा। अब देखो ध्यान से, 8 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और चलो 8 भी 4 से बड़ा है, मान लो कि यहां 4 लिखा होता और वहां 8 लिखा होता तब क्या करते हैं सर? तब तो भी यही तो बड़ा होता, जरूरत पड़ी नहीं, क्यों? क्योंकि 244 बड़ा होता है 208 से, यही तो मतलब हो रहा है इस बात का, बड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर जो आया वो सही आया। ठीक है, और ये हुआ किसी से? यस सर 0.09 बड़ा है। सबसे पहले आपने कंपेयर किया 0 और 0 को, इक्वल आप कूद गए 0 0, अब यहाँ आ गए 9 बड़ा होता है 0 से, क्योंकि यहाँ 0 लगा दो, अगर लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 090 तीन डिजिट है डेसिमल डिजिट्स, और यहाँ 3 डिजिट्स है बस। डेसिमल चैप्टर आसान चैप्टर है फ्रैक्शंस की तरह, लाइक वाइज फ्री के नंबर ही है सब, अगर आप लोग रिवाइज भी नहीं करते हो टाइम से और कुछ कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो लाइक वाइज अननेसेसरी नुकसान कर रहे हो अपना। सर लिख लिया। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और बचा है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं बचा है, इसका एडिशन दो लास्ट, 7.2 भी है 3 भी है। हाँ बिल्कुल, लास्ट सेकंड टॉपिक है ये, लिखना आप लोग। कन्वर्जेंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड, अब बुक में दो टॉपिक दे रखे हैं मैंने, मर्ज कर दिए दोनों टॉपिक को, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, मतलब कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है ही। एक फॉर्म होती है डेसिमल की जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन वो फॉर्म हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो अभी आप लोगों के लिए कि यहाँ से यहाँ जाना भी पॉसिबल है और यहाँ से यहाँ आना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं एक बार, आपको कन्वर्ट करना है 5.45 को डेसिमल में, और यहाँ आप लोग कन्वर्ट करोगे डेसिमल नहीं, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, निकालो क्या फ्रैक्शन आएगा और फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे आप लोग डेसिमल में। सर आंसर आ गया, आंसर बताओ। अगर डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 की पावर में कुछ कुछ आएगा, लेकिन 10 की पावर में कितना आएगा? जितने नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं तो 100 आ गया। अगर 5.4 होता सिर्फ तो क्या होता? 5.54/10 आ जाता। ठीक है ना, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना भूलना मत, कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना, मतलब की को प्राइम बनाने हैं हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 5 नजर आ रहा है तो 5 कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो ये हो जाएगा 20, और ऊपर बोलो कितना हो जाएगा, सही है। अब 109 और 20 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसका मतलब यही रहने वाला है। अब आप इसको डिवाइड करके ये मत लिख देना फिर से, क्योंकि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर चाहिए था यहाँ, और लेकिन यहाँ क्या होगा, 14 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 231 से। ठीक है, तो ये देगा आपको 14, चलो 196 होता ना, 210 और 224 7 यहाँ आ गया, और क्वेश्चन आ गया आपके लिए कितना 16, अब डेसिमल लगेगा और 0 यहाँ आएगा, 16.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, यस सर। पर 0.5 क्यों लगाया? 0.5 क्यों लगाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये दिख रहा है टीवी में, दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, 0.5 इसलिए लगा दिया क्योंकि
14 को रखा आपने डिवीजर, 231 को रखा आपने डिविडेंड, 23 में से चलो एक एक करके कर लेते हैं तो बाद में रखेंगे करोगे, ये 9 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 84 मतलब 16, और यहाँ बचा 7, कुछ नहीं आगे पॉसिबिलिटी नहीं है वो डिवाइड, रिमाइंडर जीरो भी नहीं आया और हमारे पास डिजिट बची भी नहीं ऊपर से उतारने के लिए, और डिवीजर अब रिमाइंडर से बड़ा हो चुका है तो एक्स्ट्रा जीरो लगाते हैं या डेसिमल लगाते हैं। 70 गया, 5 जाए, कर सकते हो क्वेश्चन सब? यस सर, यस सर, कर ले। तो एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं यही करवाता हूँ और 7.3 बाकी के हम कर लेंगे, बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कर। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म के लिए ना, लेकिन ये चैप्टर वैसे तो इजी है सर, चैप्टर 8 भी तो करना है तभी अच्छे से क्रैक कर पाओगे। हां क्या बोल रहे हो, चैप्टर नंबर 8 भी तो करना है ओ हां यस यस चैप्टर 8 भी करना है, पर वो छोटा सा चैप्टर है जल्दी हो जाएगा, हटा दे। यस सर, देखो एक टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, क्या करना आप लोग, और फिर चलो करो पहले से करो एक बार क्या आप लोग कर पाते हो खुद ही। सर कर लिया, सर कर लिया 118.72 कर लिया तो ठीक है। अरे हर्षित राणा जी आप भी आए क्लास में? सर आते हैं ना, कल क्यों नहीं आए थे? अरे सर मम्मी कहीं गई भी थी। अच्छा अच्छा ठीक, तो बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे उनको भी लेके आया करो भाई। तो मैं तो आई थी कल। अब देखो ध्यान से, जब भी ऐड करोगे चाहे दो डेसिमल को ऐड करो या तीन या मल्टीपल डेसिमल्स का अरिथमेटिक करोगे, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल आने वाला है, स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तब। अब 2 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, अब बाकी जगह क्या होगा, जहां भी खाली दिख रहा है 0 टिका दो, जहां भी खाली दिखे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 लगा देना, तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्टेबल हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 30 का 2 और ये कितना हो जाएगा 0, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे 90.32। सर वो 32 क्यों हुआ, 90 क्यों हुआ? नो सर, नो सर, वो 52 वो और 20 थे ना, एक मिनट वो पॉइंट लगा के वो आगे थे ना, एक मिनट ओपन करनी पड़ेगी। अब बताओ सर वो पॉइंट के आगे जो नंबर्स थे वो तो 72 बनेंगे ना? हाँ सर। अच्छा मैंने माइनस कर दिया क्या? हाँ सर माइनस कर दिया आपने। यस सर माइनस कर आपने। ठीक है सही बात है, सही बता रहे तुम लोग, ये हो जाएंगे 2 देन 7 और ये 4 और 8 और ये हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सही फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हमारा। हाँ जी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। और भी एग्जांपल करो। और भी एग्जांपल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले कॉपी कर लिया? कर लिया ऑलरेडी? हाँ सर कर लिया पहले। सर कर रखा है। ठीक है करो। हाँ ऐसा करो, दो पार्टीशन कर लो। पहला वाला तो आसानी से कर लोगे, लेकिन देखते हैं दूसरा वाले में आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं। दूसरा वाला जो एग्जांपल है ना, उसको वैसे ही याद करो जैसे इंटीजर्स का अरिथमेटिक सॉल्व करते थे। ठीक है, बड़ा नंबर प्लस का है सेकंड एग्जांपल में, यहाँ बोर्ड पे बड़ा नंबर अगर प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा। सर आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड करो एक बार तुम। अभी करते हैं सर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। जीरो में से थ्री नहीं जा सकता था, तो उसको तुमने दिया बोरो, ये हो गया था सेवन। सर इसमें आंसर आया 48.97। 17 में से 8 जाएगा तो बोलो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और 5 में से अगेन 7 नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो फिर इसको बना दो 4 और इसको बना दो 15। अब सही है क्या ये आंसर? सही आ गया? यस सर। अब यहाँ क्या करोगे? मैं तो भी कर रहे हैं अभी कि अगर कुछ भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो हम इसको इधर उधर घुमा सकते हैं सारे नंबर्स को, लेकिन साइन को साइन के साथ उठा करके। अगर आप लोग चाहो तो a माइनस सी माइनस डी b को यहाँ रख सकते हो, लेकिन b का साइन कौन सा है? प्लस है, प्लस टू b, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। फिर सेकंड वाले का आंसर आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हो? ये सारी फॉर्म्स है उसकी, माइनस d प्लस a माइनस सी प्लस b, ये सब सेम लिखा हुआ है। साइन को के साथ में उठा करके दो तो शफलिंग पॉसिबल है। तो फिर सर सेकंड वाले का आंसर बताऊं? हाँ बताओ सर। प्लस का 7.1 बिल्कुल सही आंसर है। अगर एक है पॉजिटिव दूसरा है, एक है नेगेटिव दूसरा है पॉजिटिव, तो दोनों की वैल्यू का डिफरेंस निकलेगा, मतलब 14.2 माइनस 7.2 7.1 करोगे आप लोग, तो लो कर दिया। ये कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन साइन आएगा इस बार माइनस या प्लस? प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा सर प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा वाले का रिस्पेक्ट देते हैं ना ज्यादा। हां एग्जैक्टली सर, ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। इंटीजर से एडिशन सबट्रैक्शन आता है तुम्हें अच्छे से? सर आ गया? नहीं आता तो सर आता तो है, पर आपने जो ये डेसिमल वाला किया सबट्रैक्शन ये नहीं आया। नहीं मैंने तो ये पूछा कि तुम्हें वो आता है ना अच्छे से? यस सर आता है। लेकिन साइन माइनस का दोगे या प्लस का दोगे तो बड़े नंबर का साइन दोगे? ये दो पॉइंट ही तो फॉलो हो रहे हैं कि सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। अगर सेम साइन होंगे तो दोनों की वैल्यूज का सम हो जाएगा और साइन वो आएगा वो
अगर सेम साइन है दोनों तो सेम साइन जो है वही उठा कर देंगे उसमें। अगर दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव में आंसर आएगा, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, लेकिन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई केस है नहीं, यहाँ पे तो दोनों का सम, यहाँ पे अपोजिट साइन है एक्चुअली, दोनों के साइन जो है अपोजिट है। तो अगर अपोजिट साइन होता है दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस निकलता है, तो 14.2 और 7.1 का डिफरेंस निकालोगे तो वो 7.1 ही होता है। और लेकिन तो सर नंबर का आता है बड़े नंबर का आता है। अब तो सर उधर अगर प्लस और प्लस होता तो वो प्लस में आंसर आता, ये प्लस होता वो माइनस होता, तो ये कहना चाह रहे हो? नो सर, वो प्लस है तो दोनों ही प्लस साइन होंगे तो आंसर मेरे प्लस का ही आएगा। बिल्कुल, तुम एक बार इंटीजर्स की वीडियो जो है ना रिकॉर्डिंग है थोड़ा अच्छे से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो इंटीजर चैप्टर के। ओके सर, क्योंकि लाइक 20 से 25 दिन हो गए वो टॉपिक हमें पढ़े हुए, लेकिन अगर वहां भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो दैट मींस कि हम थोड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई टॉपिक अटकने वाला नहीं है, ये टॉपिक तो मतलब ये तो वो इजीएस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है इंटीजर्स का एडिशन सबट्रैक्शन, तो यही अटके पड़े अगर हमें तो फिर तो मतलब हम टाइम पास कर रहे, तो थोड़ी मेहनत करो, मैथ्स में एफर्ट डालो, इसलिए एग्जाम्स आ रहे हैं। चलिए 7.2 के चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग हो सकते हैं फ्री। 7.3 होमवर्क में रहने वाली, ठीक है, कल हम डेसिमल से खत्म कर देंगे पूरा, कल मीन्स ऑनलाइन सेशन जब भी आएंगे नेक्स्ट। करो एक बार 7.2 के कुछ क्वेश्चन सभी करें। 7.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉरेन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, तो 14 बाय दे रखा है 10,000, नहीं 1000 दे रखा है, ये तो हो जाएगा ना क्या सर? 14 बाय 1000 हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा सर? 0.00 सर, सॉरी सर, 0.0014 00 भाई, दो जीरो के लिए तो हम यहाँ कूद गए, और एक जीरो के लिए एक बार ही तो कूद रहा था, तो एक बार ही जीरो आएगा ना, दो बार क्यों आएंगे, 0.00 क्यों आएगा? सॉरी सर, बाकी सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ये कराने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। 0.24 है तो आपने फटाक से डेसिमल हटाया और 24 बाय क्या लिख दिया, 100 लिखा। 10 क्यों नहीं लिखा है, 1000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स 2 हैं तो, और 100 में 2 जीरोस आते हैं, इसलिए 10 की पावर उतनी लगती नीचे जितने नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स होती है। लेकिन काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। 12/50 टू कॉमन फैक्टर का दिखा हमें, लेकिन अगेन 6/25 हाँ हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। सर इसकी कटिंग हुई है ना? बिल्कुल। आप करिए एक बार ये वाला 0.225 करो इसे। कैसे शुरुआत करेंगे सर? इसमें होगा 5/1000 1000 एग्जैक्ट, नहीं सर 10,000 10,000 क्यों? 1, 2, 3 ही तो है। हाँ सर सॉरी। तो सर कटिंग होएगी, 5 से कट करोगे 225 आएगा, 45 आएगा, और नीचे कितना आएगा? सही लिखा है? यस सर। सर लिख लिया। थर्ड का ए पार्ट है
एक्सप्रेस इन डेसिमल्स, लेकिन बोला है कि रुपए इज 180 एंड 25 पैसे। सर 180 पॉइंट पैसे हमेशा बाद में लिखा जाता है और रुपए हमेशा पहले लिखा जाता है ना, तो हमें रुपए को yes, गलती मत करना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि रुपए इज 180.25, 25 पैसे को कन्वर्ट करोगे तो रुपए 25/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा रुपए 180 और ये हो जाएगा रुपए 0.25। स्क्वायर करना हमारे आसान है, रुपए 180 लिखा हुआ है और रुपए कितना लिखा हुआ है 0.25 रुपीस 180.25। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसका सी पार्ट देखो एक बार। 5 पैसे इन रुपीस 0.05 आंसर आ जाएगा, 32 पैसे इन रुपीस 0.32, रुपीस 9 एंड 8 पैसे इन रुपीस 9.08। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। यस सर। सभी बोलो यस सर। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। ये इस बार किलोग्राम दे रखा है रुपीस की जगह, ये भी होना बनता तो है वैसे। एक पार्ट करवा देते हैं वो सभी, फोर्थ का ये पार्ट कर लेते हैं। लेकिन अलग अलग जो क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन हाँ ये मास की क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ किलोग्राम ले लिया फिर कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड है वो। सर 15.85 किलोग्राम लेने वाला ऑलरेडी है ही, प्लस 850 ग्राम को क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। सर 0.850 अब 850 या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लो चलो लिख दो। इसे ऐड करोगे तो ये 15 पॉइंट कितना देने वाला है आपको 885। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका बी पार्ट करते हैं, फिफ्थ का बी पार्ट। कॉपी कर लिया इसे? अरे बोलो भाई। हाँ हाँ कर लिया सर। हाँ कर लिया। हेलो ऑनलाइन क्लास सेंडिंग में, हेलो ऑनलाइन क्लास में शांति नहीं है, यहाँ ही बातें कर रहा आपस में। सबसे छोटा बोलो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग सर इज 8.0 सब में 8 है तो इनका 8.04 8.34 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
सर सारे बताए हैं। आ गया इसका डी पार्ट देखो एक बार, तुम लोग बताओगे 0.31 सॉरी 3.01 3.only 3 3 point। ओहो अरे भैया सबसे सर 0.003 0.03 0.3 0.3 और फिर 3.01 क्या आप लोग समझे? अच्छा यस सर समझ गए सभी। यस सर यस सर
सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू 10। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में 6 7 8 आपके लिए होमवर्क में 7.2 का और 7.3 के 10 क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, आप लोग होमवर्क करके आओगे तो कल का आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा, डिस्कशन अच्छे से होगा। सर कौन-कौन से 6 7 कल मींस नेक्स्ट ये इस एक्सरसाइज के 7.2 के 7.2 का एक्सरसाइज और ए बी पूरे निकलना है। आप लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। ओके सर, बाय सर।